पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। इसी बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। और भाइयों बहनों, मैं सच कहूं तो कांग्रेस इस देश की समस्या है। अगर कांग्रेस के नेताओं की अति सत्ता लिप्सा नहीं होती तो देश विभाजित नहीं होता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब गिनती के दिन बचे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि 17 तारीख को मतदान होने हैं, वहीं 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथों में जाने वाली है। क्या सत्ता बचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रह पाएगी या फिर कांग्रेस की वापसी होने वाली है। इसी चुनावी सबर में विपक्ष भी लगातार हमलावर है। पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। इसी बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। राहुल गांधी को भी उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरसिंहपुर जिले में एक चुनावी रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में सोमनाथ मंदिर के विकास की योजना तैयार की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया था। योगी यही नहीं रुके, आगे वो कहते हैं कि मुझे जब पता चला कि राहुल गांधी केदारनाथ मंदिर गए और दर्शन किए, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। राहुल भी समझ गए कि उनके लिए यही रास्ता है जो आगे राजनीति में ले जा सकता है या राजनीति की राह आसान कर सकता है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले की सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं, जहां बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का आना हो रहा है ताकि यह सीट किसी भी हाल में भाजपा के हाथों से न जाने पाए। पीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ समस्याएं दी हैं, जबकि बीजेपी ने समाधान दिया है। योगी ने कहा कि बीजेपी ने समस्याओं के सहारे सत्ता पाने का षड्यंत्र कभी नहीं किया, लेकिन कांग्रेसी यही करते रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि देश के विभाजन की भी जिम्मेदारी कांग्रेस को जाती है। बहनों, मैं सच कहूं तो कांग्रेस इस देश की समस्या है। आप मानते हैं ना? देखिए, देश का विभाजन कांग्रेस ने के कारण हुआ, अन्यथा पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनते। अगर कांग्रेस के नेताओं की अति सत्ता लिप्सा नहीं होती तो देश विभाजित नहीं होता, अखंड भारत होता, अखंड भारत होता। योगी अपने भाषण के दौरान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो आज काम कर रही है देश के लिए, वो पहले भी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने कभी देश के बारे में सोचा ही नहीं, कोई मंथन ही नहीं कहा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जैसे ही डबल इंजन की बीजेपी सरकार आई, समस्याओं के समाधान होने लगे, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने महाकाल लोक का भव्य निर्माण करवाया। अब देखना यह होगा कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता किसे कुर्सी देने वाली है। हालांकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में सर्वे आ रहे हैं वो तमाम निजी चैनलों द्वारा, वो हालांकि बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन 17 तारीख को मतदान है, ऐसे में जनार्दन की भूमिका में बैठी ये जनता किसे कुर्सी देती है, यह देखने के लिए आप बने रहिए प्रदेश तक के साथ। पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। इसी बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। और भाइयों बहनों, मैं सच कहूं तो कांग्रेस इस देश की समस्या है। अगर कांग्रेस के नेताओं की अति सत्ता लिप्सा नहीं होती तो देश विभाजित नहीं होता। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।